नमस्कार, आदाब, न्यूज क्लिक में आपको स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर पिछले कई दिनों से जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है धरना लगाए हुए थे, दिन रात का धरना लगा हुआ था। लेकिन कल रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। दो पुलिस वालों ने ड्रिंक कर रखी थी, लड़कियों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी, दो के सिर फोड़ दिए हैं। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया आंदोलनों को लेकर रहा है, खासतौर पर जिस तरह रातों में आंदोलनों पर हमले हुए हैं या एक तरह के एग्रेशन दिल्ली पुलिस ने दिखाया है। चाहे हमने साइनबाग में भी देखा या सीए प्रोटेस्ट में भी, रात जिस तरह से पुलिस रात में अटैक करती थी, या हमने लास्ट टाइम किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखा था जहां पुलिस ने रात के अंधेरे में किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी थी, लेकिन वो वहां भी कामयाब नहीं हो पाई थी। एक बार फिर रात में जंतर मंतर पर भी ऐसा हुआ, दिल्ली राजधानी में देश की पार्लियामेंट के पास, जब कल दिन भर, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, पूरे दिन भर बारिश होती रही, जिस कारण के जो सोने के जो सामान थे, गद्दे और बिछाने वाले मैट थे, वो सब पूरी तरह से गीले हो गए थे। तो देर शाम रात में यहाँ पे पहलवानों ने किसी से बात करके, कुछ लोगों से बात करके, कुछ फोल्डिंग लकड़ी की फोल्डिंग्स थी जिसपे उन सोने, जिससे वो रात में अपनी रात बिता पाए, वो मंगाई, और जिसके बाद पुलिस को ये नागवाड़ गुजरी और पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी, और जिसके बाद दोनों पुलिस और पहलवान आमने सामने हुए, दोनों में भयानक झड़प देखने को मिली, और जिसके इसमें दो पहलवानों को चोटें भी आई हैं, जिसको लेके पहलवान लगातार सरकार और पुलिस पे हमलावर हैं, और वो कह रहे हैं जिस दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई। अभी हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सब लोग बैठे ही थे, ना धो के आए थे, जैसे ही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे, फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, लेडी महिला लेडी पुलिस कर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लगे, हमें धक्के मारने लग गया। तो फिर हम उनको बोलने लगे, तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया था, अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बहन की गाली थी उसने, मैं बोली गाली कैसे दे दी, मेरे में पुलिस वाला दूसरा था, वो ड्रिंक कर रहा था, उसको अंदर पकड़ लिया, वो चला गया, छिपा दिया उसको। मैं पीछे से गाड़ी से फट्टे निकाल रही थी, तो उस कंटिन्यू बोल रहा था पीछे ले, मैं बोली सर मैं खड़ी हूँ अभी रुक जाओ, बोला नहीं पीछे ले, जबरदस्ती वो गाड़ी को पीछे करवा रहा, बल्कि मैं पीछे खड़ी हुई हूँ। वो पुलिस वाले ने अंदर रोक दिया, तो ड्रिंक कर रहा था उसको, जैसे पुलिस वाले ने अंदर रोक दिया तो वो कोई हमारा एक दो जने अंदर गए ना, तो पता नहीं कौन से पुलिस वाले थे, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, हमारी जो थे दूसरे खिलाड़ी को पता होगा, एक धर्मेंद्र है वो दूसरा था, सिर किसने फोड़ा है, वो दारू पी रहा था, उसने गेट मारा है उसका, एक ने सिर फोड़ दिया, एक का इधर से दुष्यंत का, वो हॉस्पिटल में गया है अभी, इनको बेचारे को देखो, ये इनको चक्कर आ रहे हैं, इनको जाने भी नहीं दे रहे हैं, इनका सिर फटा हुआ है, इसको ये दिन देखने के लिए मैं दिल्ली गए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे, मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो बस पूछ रहे, इतने कांड कर रहा है वो घर में, जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है, इतनी इज्जत गिराओगे क्या, हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों, कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। फिर बात यही नहीं रुकी, रात में जो लोग भी पहलवानों को समर्थन माने की कोशिश करी, चाहे वो एक्टिविस्ट, पत्रकार या फिर महिला आयोग की चेयरपर्सन के अलावा, जो नेता राज्यसभा सांसद से लेके दिल्ली के विधायक और मंत्री तक को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस ने किसी को भी इनके समर्थन में आने की अनुमति नहीं दी, और सुबह में जो जंतर मंतर आमतौर पर धरना स्थल है जहाँ पर आपको धरने की इजाज़त है, उसको पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया है, इनके समर्थन में भी सुबह लोगों को आने नहीं दिया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से लोग किसी तरह से पहुँच पाए, और हाँ कुछ समय बाद पुलिस ने 9:30-10 बजे के बाद पुलिस ने कुछ ढील दी और कुछ लोगों को अंदर आने दिया। आगे सुबह 9 बजे से पहले तक तो पत्रकारों को भी अंदर आने बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी, उनको भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। इस समय फिर से धरना जारी है, और एक बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहलवानों ने साफ कर दिया कि वो अपना संघर्ष किसी भी हमले से पीछे हटने वाले नहीं है, उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ये रात को जंतर मंतर में जो कुश्ती के खिलाड़ियों का धरना चल रहा है, उनके साथ पुलिस ने जिस तरह की बदसलूकी करी है और महिला खिलाड़ियों को गालियां दी गई हैं, उनके बाल खींचे गए हैं, उनके साथ बदतमीजी की है, एक खिलाड़ी का सिर भी फोड़ दिया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और हम ये बताना चाहते हैं इस देश को कि जो सरकार है वो खुद राइट टू प्रोटेस्ट जो है नागरिकों का, जो हमें हमारे
हमारे बहन भाइयों की कुर्बानियों की बदौलत मिला था उसको जो है ब्लेटेंट रूप से वायलेट कर रही है, और सरकार और उसकी एजेंसी उसकी पुलिस खुद कानून तोड़ेंगी तो नागरिकों को किस नैतिकता और किस मुंह से वो कानून का पालन करने के लिए कहेंगी। और ये लगातार हो रहा है, हमने हरियाणा में भी देखा, संदीप सिंह वहाँ का खेल मंत्री वहाँ उसके ऊपर एक होनहार जो हमारी एथलीट है और जूनियर कोच है उसने यौन शोषण के आरोप लगाए, उसके ऊपर नॉन अवेलेबल धारा और मुकदमा दर्ज है। 3 महीने से हम वहाँ पे लड़ रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन मजाल क्या कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा हो या उसको कैबिनेट से हटाया जा रहा हो, वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का आज भी अध्यक्ष बना हुआ है। और यहाँ पे ये जब ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो इनके साथ रात को 1:30 बजे आके पुलिस उन्हीं का उत्पीड़न कर रही है। तो सरकार के द्वारा अपराधियों को संरक्षण देना, उनको बचाना, और जो न्याय की आवाज उठाने वाले हैं उनको डराना, धमकाना, पीटना जो है ये पूरा हम नीचे से लेके ऊपर तक एक रुझान देख रहे हैं। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और खिलाड़ियों के बीच में ये भी चर्चा है कि वो अपने मेडल भी वापस कर सकते हैं, कि जो मेडलधारी हैं उनको अगर सड़कों पे अपमानित करोगे, मूसलाधार बारिश में अगर चारपाई भी सोने को नहीं दोगे तो भाई किस तरह का सम्मान, किस तरह के मेडल जो है। तो ये सारी चर्चाएं जो है इनको बीच में ला के आने वाले समय में इकट्ठा होके महिला संगठनों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, मजदूर संगठनों की तरफ से तमाम देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन इस सरकारी तानाशाही के खिलाफ और हमारी खिलाड़ियों के समर्थन में यहाँ पे शुरू किया जाएगा। तरह से हरियाणा के अलग अलग खापों से लोग पहुंचे हैं, दिल्ली के सिविल समाज से लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग तबके के छात्र नौजवान इनके समर्थन में आ रहे हैं, किसान संगठनों ने समर्थन में अपील की है, सुबह से जयंत चौधरी से लेकर स्वाति मालीमाल आए हैं और इनसे मिल के गए हैं और इनके आंदोलन में अपना समर्थन का आश्वासन दिया है। तो अभी जो माहौल है उस आंदोलन में यही है, आगे जो भी अपडेट होगा न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेकर आता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।